उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक उड़ेगी, जब छोड़ा सा हवाओं ने आकर जमीन। चलो सबको हैप्पी करवा चौथ बोल। हैप्पी करवा चौथ। आज बड़ी मम्मी लेके जा रही है हमें कहाँ पे, मार्केट। किस लिए बताओ जल्दी? मेहंदी लगाने के लिए। कल का त्योहार है तो बड़ी मम्मी हमें फेस्टिवल के लिए मेहंदी लगा के लाएंगे और आज बहुत सारी शॉपिंग करा के लाएंगे। ठीक है बड़ी मम्मी, तो गड्डी वड्डी दबा ली है ना? ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, हमने लिस्ट बना रखी है बहुत लंबी। ठीक है, खाना ले जा रहे। खाना यहाँ गया वैशाली का रूट। मोदू मोदक, आज मोदू भी चल रही है हमारे साथ। वैशाली मेन मार्केट सेक्टर 6। फोन कर दिया अभी, बता दे बूझ के कितना टाइम लगेगा। अभी लग जाएगा एक डेढ़ घंटा। एक डेढ़ घंटा ना लगा, मैं खुद बिजी है। ठीक है फोन कर दूंगी ना मैं। मुझे बता दे जो तो तनमन टाइम लगे तो मैं रुकी जाऊँ। मोदक को पकड़ो, चलो हम पूछ के बता रहे हैं। तो हम आ गए हैं वैशाली मेन मार्केट मेहंदी लगवाने और भाभी ने कटवा लिया पर्ची। हाँ लाइन लग रही है बहुत, काफी रश है फेस्टिवल को लेके और मेहंदियों की लाइन लग रही है बिल्कुल, और बहुत भीड़ है जितनी आप देख सकते हो। देखो सारे में भीड़ ही भीड़ हो रही है और मेहंदी लगवाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। तो भाभी तुमने कटवा ली पर्ची? मैंने पर्ची कटवा ली। कितने कितने की काटी? 500 की, दो 500 में मतलब, और सिर्फ इतने इतने हाथ लगा रहे बेल जितने पर। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगा, मैंने ब्राइडल वाली मेहंदी भी यहीं पे लगवाई, काफी अच्छी मेहंदी लगाते हैं यहाँ पे। तो दिखाऊं तुमको कैसी कैसी लग रही हैं, चलो। एक स्टॉल यहाँ पे बुक हो रहा है, एक स्टॉल वहाँ बुक हो रहा है और एक स्टॉल उससे आगे बुक हो रहा है। बहुत भीड़ हो रही है, आज वहाँ पे दिखाती हूँ। चलो इतने हमारा नंबर लगा, कहीं ना निकल रहा। और देखो मार्केट, भाभी आओ फटाफट, इनको गर्मी लग रही है, जल्दी आओ, एक्टिव रहा करो। धूप लगती है। देखो जूस पीना है, जूस पीना। पापा हमें छोड़ के चले गए हैं मार्केट में, इतने हमारा नंबर लगेगा, इतने हम घूम रहे हैं मार्केट में चूड़ियाँ। तुमको मैं इधर ढूंढ रही, तुम कहाँ गई यहाँ पे? अच्छा तुम आया कोई पसंद? ये ऑरेंज कलर और नहीं अच्छा लगा तुम्हारे फोन के लिए? एक फिट आ रहा है तो ले लो, कर दी पेमेंट। चलो फाइनली काफी वेट करने के बाद आ गया हमारा नंबर और यहाँ पे भाभी भी लगवा रही मेहंदी और मेरे को भी, मेरा भी नंबर लग गया है। भैया कितनी देर में पूरी कर दोगे? आधे घंटे में दोनों हाथ। ठीक है तो आपको परिधान करेंगे पुलिस वाले, आपने भी आए थे। वो अपना पैसा लगाने के लिए आते हैं, अपना देख में पैसा लगा चलते। हाँ दो तीन बार आए थे आपने, कम से कम दो तीन बार आए थे। पैसा लेकर चले जाते होंगे, बोल के गए। मैं और भाभी तो आ गए घर मेहंदी लगवा के और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई भैया ने, और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाएंगे। खाना मम्मी ने बना के तैयार कर दिया, अब मैं बाकी घर जाके देखती हूँ कि सब क्या क्या कर रहे हैं। और परी तेरी मम्मी ने लगवा ली मेहंदी? आज जल्दी दिखा, चाची और के घर चल रहे हैं, उनके भी मेहंदी लग रही है, देखते हैं क्या क्या तैयार, क्या क्या तैयार कर ली तेरी मम्मी ने? पता नहीं, दो चोटी वाली। यहाँ तो मेहंदी लग रही है भाई, एक हाथ पे लग चुकी है, अच्छा दोनों पे लग गई। दोनों पे क्या क्या तैयारी कर ली चाची तुमने? चूड़ियाँ तैयार कर ली, हम्म, साड़ी तैयार कर ली। अच्छा अब मेहंदी लगी चाची है,
ठीक है, तो कल को टाइम पे तैयार रही हो? बस टाइम पे बस तैयार लेके तैयार करिए। ठीक है, और कुछ? और स्पेशल गिफ्ट चाचा को क्या गिफ्ट दोगी तुम? चाचा को मुझे देना चाहिए क्यों इस बार तुम दे दियो ना भाई, हम फास्ट कर रखेंगे। हाँ, शाम को बात कर लेंगे तो नहीं देंगे ना गिफ्ट मुझे। ठीक है, देखते हैं चलो। हाँ, क्या पता चाचा ही सरप्राइजिंगली तुम्हारे लिए कुछ लेके आए। सरप्राइज देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। और परी तूने भी रखा है? नहीं, मैं किसके लिए रखू? सही बात है, तू रख अपने होने वाले हस्बैंड के लिए, है ना। दूसरे घर देखते हैं, दूसरे घर पे क्या क्या तैयारी चल रही। चल परी जल्दी। हाँ तो चाची क्या क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी? हम तो लगवा के आगे मेहंदी, देखो तुम्हारी लगी ना अभी लगेगी। चलो तो शाम को चलेंगे ना दोबारा से, फिर चलेंगे। लाल नंगा सो रहा है। तुम्हारी क्या क्या तैयारी होगी? कुछ नहीं, काम निपटा के बैठे हैं, शाम को जाएंगे। अभी काम खत्म हुआ है, अब हम तो बस काम रोक के बीच में जब गए हैं और मम्मी ने सारा काम कर लिया और अभी हमारा काम पड़ा है, हम दोबारा काम करेंगे। मैं आपके भैया के साथ जाऊंगी। भैया के साथ जाओगे, शाम को ऑफिस से आ जाएगा तब। ठीक है ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है वैसे उन्होंने, वहीं पे जाकर लगवाई है जहाँ तुमने पहले लगवाई, वही लगा रहा है। ठीक है, तुम भी वहाँ जा सकती हो। मम्मी क्या कर रही हो? लाली की बोतल डाल रही हूं। अच्छा, हम लगवाए हैं मेहंदी और मैं चारों पांचों घर भी घूम के आ गई हूँ। सही लग गई, दिखाइए देखो। उसमें भी दिखा दूसरे में भी। और इससे तो मैंने फोन पकड़ा हुआ है, ये देखो। रमन का भी नाम लिखवाया ना मैंने इसको सौभाग्यवती भव लिखा उसने। अच्छा हाँ, मैं नाम तुम लिख देना मेरे हाथ में, नाम कहीं जगह बचे तो। और तुम्हारे लिए हाँ तुम लिख दियो, कोई भी लिख दे। और तुम्हारे लिए हम मेहंदी ले आए हैं, तुम्हारी मैं लगाऊंगी रात को टाइम। ठीक है, फ्री हो गए। और क्या क्या कर लिया तुमने पीछे से? इतने खाना बना दिया। हाँ, लाली नुआई। हाँ, और घर की साफ सफाई कर ली। हाँ, वो कर लिया। ठीक है, और सब साफ कर दिए। मेरी भेजने की क्या क्या तैयारी कर लिया तुमने ये बताओ? भेजने की कुछ तैयारी होगी, कुछ रह रही है। हाँ, अभी मेरी बहुत सारी शॉपिंग भी रह रही है। हाँ, कुछ शॉपिंग मेरी होगी, कुछ रह गई है। तो आज फिर से शाम के टाइम मार्केट चलोगी ना? हाँ। चलोगी दिवा के लाओगी ना? जबरदस्ती। ये देखो मैंने सबकी तैयारी पूछ ली, तुम्हारी क्या तैयारी है? मेरी भी तैयारी हो रही है कि साड़ी तैयार है। हाँ, चूड़ी तैयार है। हाँ, और मैं तो लगाई देगी। हाँ, शाम को वो मैं लगाई दूंगी, मैं अपनी लगवा के आ गई। हम तो बड़ों में हो रहे, हमारी क्या तैयारी? हाँ, तैयारी तो तुम्हारी है, बाल को किन्ने होगी। हाँ, और बुझ लेती अपनी भाभी से भी। भाभी की तो सारी शॉपिंग करवा दी हमने, और कुछ जो बचेगा वो भाभी बता देंगे जो लेना है ना। तन्नो भाभी से पूछ लेती। हेलो, लगी मेहंदी? दिखाओ कहाँ लगवा के आई हो? वैशाली। सही है, सब वैशाली। ओह, यहाँ पहली से पहली पेट भरा जा रहा, कल वाइफ को फास्ट रखना है ना, चक्कर वक्कर ना आ जाए। पहली खवा दूं। ले तो भाई, खा के आई हूँ। मेरा टैटू और देखो। हुँ. ये है चीज सैंडविच फ्रॉम वैशाली मेट्रो स्टेशन। सब वैशाली। एंड सेकंड इज स्वीट कॉर्न एंड दिस इज जेली, जेली फ्रॉम इंग्लैंड। ये तो वाइफ के लिए आई है, यहाँ तो सिस्टर आगे बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खोल कर देता भाई, सबके लिए आई है, सबके लिए। पकड़ो भाई, मैंने यहाँ पर क्या मार दिया, वो क्या बोले हैं, चौका चौका मार दिया मौके पे, चौका। इसका मतलब यह, खाने खाने पे लिखा ना, दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम क्या? जेली फ्रॉम इंग्लैंड। इसमें तो फ्रूट वाला कुछ है, फ्रूट वाली जेली है। ये क्या है? सब फ्रूट है, खा के देख कैसी है, क्योंकि ये लाला को भी देखे आए हैं नीचे। बाद में कुछ इसमें वैसा लगा मुझे अजीब सा। बढ़िया, बबल गम टेस्ट अच्छा है। खा लो, बहुत ही च्यूई च्यूई सी है। बढ़िया लगी। लो गाइस, आप भी एंजॉय करो, अगर हाँ? आप आसपास के हो तो वैशाली जाकर इसको खरीदो, उसमें उस पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगली बार। सच्ची में क्या? सरदार जी हैं, वो साइड वाली दुकान है उनकी। अब भाभी का गिफ्ट क्या है कल के लिए? भाभी का गिफ्ट मैं हूँ। मैं सच्ची में? और अच्छा, तुम्हारी कौन सी वो है, क्या नाम है? थर्ड करवा चौथ। मेरी फर्स्ट।
और प्रियंका भाभी और रमन बाबू किस टाइम तक आओगे आप? वे आ जाएंगे कल सुबह जल्दी क्योंकि उनकी फोर्थ है। अच्छा प्रियंका भाभी की फोर्थ है। ये भाभी फोकस हो रहा खाने पे। ओ भाभी पीछे वाली डिजाइन और भी अच्छा लग रहा है। फोकस हो रहा है, कल फास्ट रखना है तो जल्दी जल्दी लपेट दो माल को। पानी भी पीने को ना मिलता। रमन कब तक आएंगे? रमन वे आएंगे सुबह 7 बजे कह रहे हैं आने के लिए। तो सुबह 7 बजे कह रहे हैं तो इसका मतलब 10 बजे तक आएंगे। हाँ नहीं जल्दी टाइम के पक्के एकदम। अच्छा तो 7:15 तक एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। हाँ कोशिश तो यही है लेकिन टाइम पाने की हुए हैं। बाकी रमन जी आप व्लॉग जब डालें हाँ। तो इसमें अपना टाइम भी बता दें हाँ। हम उसी तरीके से प्रिपरेशन करके रहेंगे। प्रिपरेशन तुम कर लो, उन्होंने मुझे 7 बजे का टाइम बता दिया। व्लॉग मैं ही बना रही हूँ आज बस। अच्छा। उनकी तरफ से नहीं बन रहा। ओके ठीक है। और क्या बस कुछ ना, बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो और सबको हैप्पी करवा चौथ। आगे सबसे फेवरेट मोनू चाचा के घर। मोनू चाचा कल करवा चौथ है। कल करवा चौथ के शुभ अवसर पर हाँ? माँ शीतला माता के लिए व्रत रखा जाता। कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि अपने पति के लिए व्रत रखा जाता, ये पति के लिए नहीं, ये एक असीम कृपा है माँ दुर्गावती की जो बिहार के लोग रखते थे। हमारा ऐसा मानना है। मेरा चाचा कहाँ ले गए? वही आएंगे बात पाएंगे, लोग बनाते रहते हैं तो इसमें अभी लोगों ने क्या यहाँ कौन खड़ा है, किसको दिखा रहे हो? एक दिन के लिए व्रत रखने में कि अपने पति की आयु के लिए व्रत रखा जाता है, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन के व्रत के लिए पति की आयु नहीं बढ़ती। अब हम इस पे बात आते हैं। ठीक चाचा, प्रवचन न देना। प्रवचन नहीं, अच्छा क्या करना बताओ? शायरी बता। तुम्हारे पिछली व्लॉग में तुम्हारी शायरी पसंद करी गई। तुम जिसको इश्क हो गया, वाह वाह चाची वाह वाह तो कर दो, के जिसको इश्क हो गया भला कैसे वो सोएगी। वाह वाह मैंने पहले भी गा दी थी। के जिसको इश्क हो गया भला कैसे वो सोएगी। वाह वाह कभी छुप छुप कर मुस्कुराएगी, कभी तकिया भी होएगी। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े नादान हो तुम भी। चाचा धमका क्यों रहे हो? जरा समझा करो बातें, डर लग रहा। जो रोती है बिछड़ कर की तरह रोएगी। बढ़िया बहुत बढ़िया, बस क्लैपिंग कर दो भाई। चाची तुम आलू है और भी सुनाएंगे। इंग्लिश में सुनाओ कुछ। चंद लम्हे चूम कर जो चले गए वो करवा चौथ मनाएंगे। अच्छा चंद लम्हे जो चूम कर चले जाए वो करवा चौथ मनाएंगे। ऐसे आशीर्वाद बने रहे, हम अपनों के लिए बने रहेंगे। क्या कह रहे हैं, मेरे तो सिर के ऊपर से चली गई सारी बात। चलो कोई बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार और क्लैपिंग। चल चली जा मेरी जिंदगी से तू। चाचा कल ही जाऊंगी मैं तो। चल चली जा मेरी जिंदगी से तू। आई क्यों मैं शॉपिंग कर रहे हैं बहुत सारा, तुम्हारा माल इकट्ठा करके ले जाने के लिए यूं आई मैं तो। करो तो अच्छी चीज हो रही है। किसी के 1 साल में नुकसान हो जाए, रिश्ते बिगड़ जाए, किसी के 10-20 साल बाद भी नुकसान हो जाए, मर जाए, कुछ भी लोग कर ले। चला गया मेरी जिंदगी से तू, अब मैं किसका तिलक लगाऊंगी। एक औरत बोल रही 10 साल बाद। पायल वीडियो बन रहा? हाँ बन रहा है। चला गया मेरी जिंदगी से 10 साल बाद तू। चाची को दिल कमजोर है चाची का। अब मैं किसका तिलक लगाऊंगी। अच्छा, तिलक का मतलब सिंदूर है। चला गया मेरी जिंदगी से तू, अब मैं किसका सिंदूर लगाऊंगी। आ भी जाए तो मेरे बच्चों की परवरिश को। अरे मैं भूल गई, भूल गया। अब मेरे बच्चों की परवरिश को। चलो कोई बात नहीं। चलो ब्लॉग में भी आता ठीक है।